नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई समर बात कर रहा हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्रांड व्लॉग। तो भाई साहब, यहाँ पर आप देख रहे हो सारे के सारे गाइस, मैंने लाइट चला दी है और काफी मस्त ये कलर लग रहा है भाई, मतलब दिल कुछ हो गया, दिल को भा गया। तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी स्टूडियो में लाइट है जो गाइस अभी भी कम पड़ती है, जो गाइस हमारी आंखें शायद पुरानी हो गई है, हम बुढ़े होते जा रहे दिन पे दिन। तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लाइट की ऐसी की तैसी हो गई है, 11 लाइट की बैंड बच चुकी है भाई साहब। भाई देखिए, जब मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर खड़ा होकर मैं शूट करता हूँ वीडियो को इस तरीके से, तो गाइस जो पीछे का लाइट है वो कैमरे पर पड़ती है, शायद गाइस आपको दिखाई दे रही है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो भाई हम क्या करते हैं, हम भाई साहब इस लाइट को बंद कर देते हैं, देखो अब ये नहीं चमकेंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, आई होप पहले से सुधार होगा पीछे की लाइट में। तो गाइस बैकग्राउंड का अच्छा होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, देखिए इतनी सारी गाइस यहाँ लाइट है, लेकिन भाई लाइट है खराब। बाई चांस गाइस ऐसा होता है कि भाई मैं वीडियो यहाँ बनाने लगता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरी जगह बैठ गया लोंडा। तो भाई देखो, तीन लाइट यहाँ की चल रही है और भाई तीन लाइट ही वहाँ की चल रही है। मैं आपको पहले चला के दिखा दूँ, देखिए भाई साहब यहाँ की भी दो फ्यूज है ना, देखो गाइस वहाँ की भी दो फ्यूज है। जब क्या देखिए, सारे स्विच ऑन है। तो भाई साहब हम करने के वाले हैं ये भाई सारी एलईडी, भाई साहब जो एलईडी खराब है इन्हें उतारेंगे भाई साहब, और गाइस इनकी थोड़ी सी मरम्मत इनकी रिपेयर होगी। जो एलईडी खराब होगी, जैसे सपोज करो उसमें कोई भी एक सिंगल एलईडी खराब हो, छोटा जो एलईडी बल्ब होता है वो खराब हो, तो भाई हम उसे रिप्लेस कर देंगे। और भाई अगर उसका ड्राइवर में कोई दिक्कत हुई तो गाइस हम उसको निकाल देंगे और भाई अपना ड्राइवर भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाइस ये कंपनी ने अपना ड्राइवर बैठा रखा है इनके अंदर, जो सस्ता इन्हें खराब कर रहा, हम अपना ड्राइवर बैठाएंगे। एक बात और गाइस, इनके जो ढक्कन होते हैं ना भाई, जैसे कि कभी कभी मेंढक बरसते हैं ना बारिश में, तो गाइस हम काम करते रहते हैं, ठीक है, तो गाइस ऊपर से गिर गया, कभी कोई से ढक्कन नहीं गिरेगा, आपको समझ में आ रहा, आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं। देख रहा इसका ढक्कन यानी कि डिफ्यूजर, और इसमें डिफ्यूजर है। एक बात गाइस मैं आपको और बता दूं कि इनके जो डिफ्यूजर गिरता है ना मेंढक की तरह नीचे, तो भाई वो डिफ्यूजर हमारे पास है, तो मैं फौजी भाई से अपील करूंगा कि वो डिफ्यूजर लेकर आए। तो फौजी भाई ने रख रखे हैं, ये करता धरता है, ये रहे चांद। तो भाई साहब ये रहे डिफ्यूजर, देखो गाइस। हाँ भाई, मैंने अभी गिने थे जब मैं नल्ला घूम रहा था, तो मैंने सोचा गाइस बैठे बैठे हम तारे गिनते हैं, तो गाइस लाइट क्यों ना गिने। तो भाई साहब ये 16 और ये 16 यानी गाइस 16 एलईडी ये कॉन्सर्ट लाइट है, इनके 16 डिफ्यूजर निकले हुए हैं। तो भाई 16 का 16 फौजी भाई ने संभाल कर रखे, देखो कितनी बड़ी बात है। फौजी भाई जितनी कम तारीफ करे उतनी ज्यादा है, कर लो यार, कैसी कुछ तो करो, तारीफ करो कुछ भी करो। चलो भाई फटाफट इन्हें उतारते हैं। तो गाइस इन्हें उतारने का जो ना कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा भाई, देखिए जब हमने यहाँ पर पेंट किया था ना इस पर, तो गाइस वो जो आई थिंक संदली कहते हैं। चलो भाई फटाफट जुगाड़ करते हैं। फौजी भाई क्या कर रहे हो यार, तुम यहाँ बैठ के जल्दी खड़ा हो यार, टाऊ का आराम, कितना आराम करोगे, आराम करते थक जाओगे फिर आराम करोगे। 11-12 फीट ऊंचा है भाई नीचे से। एक दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, करंट फ्लो रहा है कंटिन्यू। देखिए भाई लेकर आए पटरा, भाई पटरा मैंने ऐसा कर दिया भाई साहब, हाथ गंदे हो गए, चढ़ना जरा इस पर। फौजी भाई की ताकत देखो तुम, आल लंडे आ गया। अरे भाई साहब हाइट है, तुम बड़े भाई तो है, बड़े भाई तुम्हारा हाइट तो तुम्हारी लंबी होगी, इसको ऊपर चढ़ो। देखो भाई साहब तुम्हारी गर्दन कहाँ चले गई, कितना लंबा है ये आदमी, इसकी हाइट पे मत जाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा वरना। चलो भाई फटाफट क्या करते हैं, ज्यादा बातें होंगी, फौजी उठाओ जाए। देखो भाई बहुत भारी, हाँ कोई वाले ले, वहां से स्टार्ट करते हैं। अरे मैया, अरे भाई साहब देखो भाई मजदूर के हाथ का आकार बदल गया। तो भाई हम करते क्या, अब फटाफट इन लाइट को उतार लेते हैं। I never really understood just how the story ends, but I could feel his tense, don't know the consequence, the volatility of life my only confidence, is this an argument or just the start of it? हाँ तो गाइस काफी मेहनत करने के बाद हमने गाइस काफी सारी लाइट ये निकाल ली हैं, सारी गाइस जितनी भी खराब थी भाई सारी निकाल ली हैं, और अभी गाइस काफी ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं कितनी निकली, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 है ना गाइस, पूरी पूरी 12 एलईडी वाइस निकली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ गाइस 12 एलईडी खराब निकली है भाई साहब, किस्मत खराब हमारी। तो भाई 12 गाइस हम करेंगे कैसे ठीक, और ये निकल गए हैं कान खजूर से, इनकी जरूरत थी ना वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब गाइस इनमें खराब हुआ क्या है, मैंने कहा था गाइस अगर एलईडी खराब हुई तो हम चेंज कर देंगे या डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे, अगर भाई इनका ड्राइवर खराब हुआ तो हम अपना ड्राइवर बैठा देंगे, मतलब कि रिपेयर करेंगे जो बात है। हाँ अगर कोई ज्यादा खराब हुई तो गाइस हम मार्केट से ला सकते, लेकिन भाई मेरा मूड नहीं है खर्चा करने का फिलहाल। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई। हाँ तो भाई तैयारी कर ली है, सोल्डिंग आने में लगा दिया है और ये सारी लाइट आ गई है। भाई अगर आप ध्यान से देखो ना, चलेगा इसमें आप कोई भी रैंडमली कोई भी, चलो इसका तो कवर मैं बाद में निकाल दूंगा। देखा इस ये दिख रहा है आपको, ये एलईडी फ्यूज होगी, देखा इस ये एलईडी फ्यूज होगी, देख सकते हो
इसका तो भाई ये ढक्कन ही निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं निकलेगा भाई साहब ना, अपना आप निकलेगा, मर्जी तो टपक भी जाएगा नीचे को। ऐसे क्यों निकलेगा? देखो भाई इसकी एलईडी ये रही। तो भाई सब में एक कॉमन प्रॉब्लम, और भाई ये तुमने चिपका भी रखी है स्टर ग्लू से। देखो भाई ये एलईडी गाइस अलग ही चमक रही है, जो चली गई है। ये प्रॉब्लम कॉमन है सब एलईडी में। देखो आपके सामने खोल लूँगा गाइस, मैंने पहले नहीं देखी, ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस ये एलईडी गई। तो भाई आई थिंक इनमें भी इसकी वाली एलईडी थी। तो भाई सब में सेम प्रॉब्लम है, पहले हम एक देखते हैं, उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि भाई कैसे एलईडी चेंज की जा सकती है। ना सर आज गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, आज तक हमसे ना पटी। हाँ भाई सही है यार, इसमें से निकालनी पड़ेगी। लेकिन भाई हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है, प्रोफेशनल टूल नहीं है जिससे गाइस इन डिव में से हम एलईडी निकाल सके। हाँ देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। हाँ तो भाई ये रहा बोर्ड। यार एक प्रॉब्लम है, ये भाई तिल्ली जो खराब हुई है ना, ये भाई हमारी कमी है। देखो गाइस ये 7 वाट की है, और पैरामिड एलईडी पता नहीं क्या चाइनीज में लिखा है भाई इस पर। ये खैर 7 वाट की है, मेड इन इंडिया। गाइस मेरी कमी ये है कि भाई जब मैं यहाँ की फिटिंग करवा रहा था, तो भाई जो बिजली वाले भैया हैं, मैंने सारी चीज उन पर छोड़ दी थी। क्या क्यों गाइस? वो जानते हुए थे, तो मैंने कहा कि चलिए आप अपने हिसाब से अच्छी ब्रांड की एलईडी लगा, अच्छी ब्रांड की। गाइस मैंने उनसे कहा था, मैंने उनसे ये नहीं कहा था कि घटिया लगा दो भाई, 2.5 mm का 4 mm गाइस यहाँ पर मैंने वायर लगाया, वायर भी काफी अच्छा है, अच्छी ब्रांड का है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पर उन्होंने गड़बड़ कर दी, और भाई ऊपर से कंपनी का पता नहीं लगता कि भाई कौन सी लगाई है। खैर अब तो गाइस इन्हें 1 साल से ज्यादा होगी, वैसे इनकी 2-2 साल की वारंटी बता रहे थे, बाकी है ना वो अलग टॉपिक। तो भाई हमने एक जुगाड़ करा, ओ माय गॉड चल नहीं रही है, नहीं चल रही है। फौज भाई लगाए लाल नीली पीली डीओबी, अगर ये चल जाए ना तो ठीक, वरना गाइस हम इसका ये डीओबी ही चेंज कर देंगे। ये चल रही थी भाई, हाँ देखो चल ही रही सारी। खैर इस रखते हैं साइड में, अगर कोई भी चल गई ना सही से तो भाई हम उसको रिपेयर कर देंगे। वैसे इनके बाहर अच्छी क्वालिटी के हैं जो बात है ऊपर, तो एलईडी तो ठीक लगाई है। लेकिन भाई वैसे भाई एक बात और है यार, कि सोलर की गाइस यहाँ पर लाइट है, तो भाई लाइट यहाँ पे कभी फ्लक्चुएट नहीं करता, वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट नहीं करते। वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल मस्त रहते, बिल्कुल प्लान 220 वोल्ट जाते, फिर भी गाइस ये लाइट खराब हो गई, ठीक है देखो नहीं चल रहा है। तो भाई इनके लगता है मुझे गाइस इनके ड्यू भी चेंज करने पड़ेंगे। खैर गाइस मैं फटाफट देखता हूँ कितने चालू हैं या नहीं। भाई मैंने ये सारे चेक कर लिए, ये अभी बाकी हैं। गाइस एक प्रॉब्लम है कि भाई कोई सी भी एलईडी ये शॉर्ट करने पर नहीं चल रही है, तो भाई ये भी काफी प्रॉब्लम वाला पार्ट है लाइफ का। तो हम करते हैं इनके अंदर देखते हैं, अब इसके अंदर देखते हैं यार क्या होता। देखिए मुझे लगता है ओए होए, देखो भाई इनका ये रेजिस्टेंस है, देखो ये उड़ा हुआ है, कहाँ तक आदमी ठीक करेगा बताओ। चलो ये मैं ठीक कर दूंगा, ये मैं लगा दूंगा, फिर मैं इस रेजिस्टेंस को ठीक करूंगा, ये बहुत बढ़िया करूँ। और इसका कलर कोड भी उड़ गया है, आई थिंक ये सब में प्रॉब्लम होगी। अगर ये सब में प्रॉब्लम हुई तो कहीं सब में यही करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है सब में यही प्रॉब्लम है, तो इनका रेजिस्टेंस चेंज ही करना पड़ेगा। हाँ सेम प्रॉब्लम, देखो भाई बस गई इसमें थोड़ा सा कलर कोड मिल रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस है इसकी पावर आगे पहुंचाता, जब गाइस यही खराब है तो कैसे पावर आगे जाएगी। और गाइस बाकी तरफ ठीक लग रहा है मेरे को। हाँ भाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे गाइस मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज किया, क्योंकि गाइस यहाँ पर 33 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, और ये 1/2 वाट में है, मैंने लगाया इस 1/4 वाट में, तब भी गाइस यही प्रॉब्लम कर रहा है, और इसकी आईस में भी गड़बड़ है गाइस, मुझे जस्ट अभी पता लगी थी इसकी आईस भी उड़ी हुई है, चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो गाइस इस चीज का क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखो भाई इतना टाइम नहीं है कि भाई इसमें दिमाग मारे, भेज मारे, इसका ड्राइवर भी देखें, इसमें सामान फिट करें, फिर बाद में इसका डीओ भी चेंज करें, ये इसकी एलईडी काल है। अरे भाई साहब हो तो जाएगी, लेकिन इतना टाइम को लगा, इन सारों में भाई बार है ही। देखो गाइस तो भाई हम शॉर्टकट अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका गाइस ड्यू भी चेंज करेंगे, और भाई ये 7 वाट की है, 7 वाट का अच्छी ब्रांड का कोई ड्यू भी, वैसे गाइस अच्छी ब्रांड का तो नहीं मिले, लेकिन हाँ जितना भाई हो सके अच्छा से कैपेसिटर अच्छे से लगे हुए हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस मेरे पास शायद रखे थे। देखो गाइस ये भाई वैसे अच्छा ड्यू भी, आज तक इसमें कोई शिकायत आई नहीं है, लेकिन भाई अगर कभी भी शिकायत आई तो भाई मैं एलईडी चेंज ही कर दूँ, इतना भाई टाइम नहीं है गाइस, मैं इन सारों में दिमाग मारूं, तो भाई मैं जाता हूँ मार्केट और फटाफट से ड्यू भी लेकर आता हूँ, 7 वाट की या 9 वाट की, है ना, कोई सी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे 7 वाट की इनफ है। 7 वाट की एलईडी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो भाई इन्होंने मना कर दी, 7 वाट की एलईडी नहीं है ये गाइस, सिर्फ 9 वाट के रखते हैं, और कह रहे थे कि 7 में 9 ज्यादा फर्क नहीं है, 9 के लगा लो। तो चले गाइस आप नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं, तो भाई मैं 9 के लाऊंगा। और उससे पहले भाई एक बात और आपको बता दूं, ये गाइस बारिश आ रही है और फौजी भाई भीग रहे हैं, जल्दी आओ, वैसे वाटरप्रूफ है लेकिन फिर भी ये खराब हो जाता है, अगर गाइस सिंपल लगा देना
बहुत जल्दी खराब हो जाता वाला तो। हाँ तो भाई साहब ये रही, तो कहाँ था भाई, ये रही ड्यूबी डिवाइस नोवाट की। भाई मैं इसलिए लेकर नहीं आया, मेरे पास ऑलरेडी नोवाट की 30-40 ड्यूबी पड़ी है, बहुत सारी पड़ी है। तो भाई ये मैंने बाहरी निकाल ली है, तो गाइस अब डायरेक्ट निकाल लेंगे इसे और भाई इसे चिपकाएंगे। तो गाइस इन सबको निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे। और गाइस दिक्कत ये है कि भाई ना रोके कैसे है ना, रोकने की प्रॉब्लम आएगी। गाइस रोकने का हम सस्ता सा जुगाड़ देखेंगे, बहुत सारे जुगाड़, कमी नहीं है भाई इसकी मानिए। हाँ तो भाई अभी कुछ प्रॉब्लम आएंगी, पहले गाइस मैं इसका तार निकालकर आपको बताता हूँ कि भाई प्रॉब्लम आने के वाली है। ठीक है, ये निकल गया। एक तो गाइस के शेप में फर्क है, देख रहे हो, इसे छुटाऊंगा, देखिए आज में छुट गया। और गाइस जो थर्मल पेस्ट लग रहा है ना, वैसे गाइस जो हीट सिंक कंपाउंड है या थर्मल पेस्ट है, ये गाइस मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं इसी का यूज करें। देखिए यार काफी पहले गाइस लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, लेकिन ये गाइस अभी भी काम कर जाएगा बिल्कुल भाई, यही है। खैर इतना सारा नहीं लगना था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये रहा गाइस ठीक है। इसी का इसको चाहे तो लगा सकते हैं, अगर लग जाए तो रोकने के लिए इस ड्यूबी को। लो गाइस रुक गया भाई, थर्मल पेस्ट की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन गाइस वो हीट सिंक से तो चिपका करेगा, तो ये जल्दी हीट नहीं होगी और खराब नहीं होगी, क्योंकि गाइस ये हीट होकर ही खराब होती है मोस्टली। ऐसे गाइस ऐसे काफी आसानी से कनेक्शन हो जाते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। भाई ऐसे खींच दिया बस, कितना लंबा तार रखना वो हमारे ऊपर बात है। ये काट दिया, अभी गाइस चला के भी देखेंगे कि भाई चलेगा या नहीं चलेगा। भाई इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार, और थर्मल पेस्ट मेरे हाथ पे लग रहा है जो बात है, और सोच भी इसकी बराबरी काट देंगे, छोड़ो ठीक बॉस। अब एक दिक्कत होगी यार, हमने इसका एक स्क्रू तो निकाल लिया। हाँ इसका एक स्क्रू होगा, इसमें आपको बताना चाहूंगा मैं क्या गड़बड़ हो चुकी है भाई। यहाँ पे हमने ऐसे लगाया, देखो सीधा यहाँ पे भाई दो स्क्रू लगते हैं। वैसे एक स्क्रू से भी रुक जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी शर्म वाली। ये भाई ऐसे तबे यार, इन्होंने भी भाई जुगाड़ कर रखा, देख रहे हो एक होल गाइस अलग से कर रखा, और वो भी भाई ड्रिल मशीन से, ऐसे नहीं देखो यार, देख रहा ये भाई ऐसा लग रहा है ड्रिल मशीन ने कील से किया है। यार कैसी कैसी कंपनी है भाई ये, चौबीस घंटे टाइट करते हैं। जब ये ज्यादा हीट हो जाती है ना गाइस, यकीन मानिए कल भाई ने मेरा हाथ जला दिया। मैंने ऐसी टेस्ट किया था, मतलब मैंने गाइस ये बहुत बढ़िया था, क्योंकि गाइस मौसम काफी खराब है, बारिश हो रही है, तो सोलर पैनल हमारे कभी गड़बड़ कर जाते हैं। हाँ थोड़ी देर में चल जाएगा गाइस, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल बाहर, ठीक भाई। खैर बारिश तो हो चुकी है देखिए, तो गाइस अब हम मजबूरन भाट से यानी कि एक्सटर्नल पावर से देनी पड़ेगी, वरना गाइस ये काफी दिक्कत करेंगे, नहीं चल पाएंगे। देखो तो अभी बाहर से लाइट आएगी, एक्सटर्नल लाइट देनी पड़ती है, मीटर लगा रखा दूसरा सेकंड, देखिए चल गया ग्रिड 208 वोल्टेज, यहाँ पे स्टेबलाइजर 5 किलोवाट का। तो भाई कल मैंने एक लाइट निकाल ली थी ऐसी जिंदा थी वो, बाहर से इतना तगड़ा मेरा हाथ जलाया। और भाई जब ज्यादा हीट होती है ना, तो भाई इसका जो ना ये डिफ्यूजर आई थिंक वो निकल जाता है, ये डिफ्यूजर निकल जाता है, तो गाइस ये इतनी हीट नहीं होती। तो गाइस अभी तो चला के देखते हैं, तो भाई चल गया बढ़िया फर्स्ट क्लास। और इस पे एक तो डिफ्यूजर भी लगा देते हैं, पता ना यार हीट होती निकल जाता है, लेकिन देखते हैं निकलता निकलता। देखिए गाइस भाई लग जा भाई, ओए होए पीएचडी करवा के छोड़ेगा मुझे, ये मस्त है गुरुजी। तो चलेगा इस पर सारों में डीओबी फिट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, मजा आएगा। गाइस मैंने काफी सारी कर दी है, अभी 3-4 बच रही हैं, और मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। भाई एक प्रॉब्लम आ रही है गाइस, मैं आपको दिखा दूं यार, देखिए ये दरवाजा भाई ऑटोमेटिक अपना आप, देखिए देखो गाइस भूत आ गया भाई, अरे बाबा देखो भाई खोले से, देखो देखो गाइस आ रही आवाज, देखिए भाई। गाइस मेन चीज है कि भाई साहब ने लाइट बंद कर दी है, और भाई साहब आंधी आ रही है बाहर। ओ भाई देखिए और भाई भागो जल्दी, देखो गाइस भाई बादल है, कितना ब्लैक बादल है भाई, देखिए पौधे करके हमारे पौधे के काफी तेज यार, बिल्कुल काफी काले बादल है भाई, और ये जा रहे हैं तेज चले, शायद यहाँ बारिश ना हो। ये फौजी भाई पानी लेने जा रहे हैं, अरे फौजी भाई सारे पौधे गिर गए लड़क रहे हैं, याद लगता है भाई कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हो। प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती, अभी अंदर चलते हैं, काफी तेज हवा है बॉस। चला गाइस गाइस ऐसे में लाइट भी चली गई है, तो भाई हमें गले मिलना पड़ेगा। और गाइस मैंने यहाँ पर लाइट बंद कर दी, बट जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर मैं लाइट खुल रखी है, थोड़ा सा बैकअप बैटरी बच रहा है। और गाइस यहाँ मैंने एसी बंद कर दिया है, ठीक है ऊपर वाला रहम करे भाई, काफी बेचारे गरीब लोग जिनके घर नहीं है या जिनके तंबू संबू होते हैं ना वो उड़ जाते हैं, तो यार काफी दिक्कत आती है। तो गाइस फटाफट इग्नोर कर लेता हूँ।
हाँ तो गाइस सारी लग चुकी हैं और गाइस सारी को मैंने टेस्टिंग कर दी है, बहुत मस्त चल रही हैं। वैसे गाइस ज्यादा फर्क नहीं लगा मुझे 9 वाट में और 7 वाट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज हमने कितने सारे पैसे बचाए, देखिए ये एक ड्यूबी सिर्फ 7 रुपए की मेरे को मिली है, 7×7=14 सिर्फ 84 रुपए गाइस मुझे ड्यूबी पड़ी है 12। और भाई अगर एक ये कंसील्ड लाइट देखी जाए भाई ये कम से कम मेरे को 150 रुपए करीब मिली थी, तो गाइस ये लगभग 1800 रुपए की। गाइस कहां 1800 और भाई कहां 84 रुपए, काफी पैसे बचा लिए। तो गाइस हम ये कोशिश करेंगे भाई कोई भी चीज रिपेयर हो जाए या रिपेयर कर ली जाए, रिपेयर करवा ली जाए। अगर बाई चांस वो नहीं होती, इसका अल्टरनेट नहीं निकलता तो गाइस हम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। मैं आपको व्लॉग बता दूंगा कितने दिन भाई ये चलेंगी, अगर आपके खराब हो गए तो फिर मेरी मजबूरी मुझे नहीं लानी पड़ेगी, ठीक है। तो खैर आप गाइस जानते हो बाकी क्या होगा। तो भाई इतना सारा देखिए अभी वेस्ट निकला है, देखिए और देखिए कितने सारे निकले थे भाई, एक का तो कैपेसिटर फट गया था, ये रहा रेजिस्टेंस भी गया और कैपेसिटर भी गया। तो भाई साहब अब ये मैं फेंकूंगा नहीं, ये जो है ना ये भाई ये हीट सिंक का काम करेगी। चले गए तो फटाफट इन सारों को लगा देते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली ये सारी लग गई हैं, देखिए सारी चल रही हैं, कोई भी बंद नहीं है। और गाइस जब से मैंने स्टार्टिंग से लगाना शुरू करी ना तब से गाइस सारी चल रही है, ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। लेकिन भाई फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद गाइस आपको कैमरे पर दिखाई ना दे, जिस एलईडी में ड्यूबी लगाई है ना गाइस वो थोड़ी कम चल रही है, मतलब थोड़ी सी, ज्यादा फर्क नहीं लेकिन पता लग जाता है। लेकिन गाइस पता लग जाता है सिर्फ मेरे को, अगर कोई बाहर से आएगा तो पता नहीं लगेगी, तो ये ज्यादा फर्क नहीं है। देखो गाइस हाँ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए ये तीन में कितना हाई कंट्रास्ट है, देखिए एक ये रही और एक वो रही, इनमें गाइस थोड़ी सी कम कंट्रास्ट है, थोड़ी कम ब्राइटनेस है ना, ऐसा गाइस इतना पता लगेगा नहीं। लेकिन भाई हमने काफी पैसे बचा लिए, लेकिन अब भी अगर ये खराब हो गई तो हम चेंज कर देंगे। गाइस कल से मैं इनमें लग रहा हूँ, हालत खराब भी होगी भाई, तो सुबह उठते ही मैं लग गया, मार्केट चला गया, मतलब इन्हें लगाना निकालना फिर इनकी वायरिंग करना टेपिंग करना बहुत सारे काम यार, एक काम नहीं होता दोस्त, बहुत सारे काम होते हैं यार। तो गाइस फाइनली सारे हो गए हैं, तो गाइस काफी मेहनत करी इस व्लॉग में, प्लीज दोस्तों को लाइक करें सब्सक्राइब करें और गाइस जो पता है ये व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बाय बाय।